हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है बरसात की, और मैं आया हुआ था बरगी डैम। सोच रहा था बारिश वारिश होगी, मगर धूप निकल आई। तो बरसात के सीज़न में जो ग्रीनरी होती है और जो पानी भर जाते हैं नदी नालों में, बस छोटी छोटी नहर बन जाती है, रोडों में पानी आ जाता है, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। पूरा हरा होता है हर जगह। तो इस चक्कर में मैं सोचा था कि थोड़ा बारिश मिल जाएगी तो निकल चलते हैं, संडे है आज तो, पर पानी कहीं गिरा नहीं और धूप निकल आई उल्टा। तो अभी फ़िलहाल मैं बरगी डैम आया हूँ, और ये बरगी डैम है, इसके गेट अभी पूरे बंद हैं क्योंकि अभी बारिश का स्टार्टिंग है, तो बाढ़ आई नहीं है और ज़्यादा पानी भरा नहीं है डैम में, नहीं तो ये पूरे गेट खुल जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। अभी हम पुल के ऊपर हैं, तो आगे चलते हैं, थोड़ा और पास से देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा झरना बन गया, बारिश के कारण ऊपर से पानी आ रहा है। फ्रेंड्स, ये है बरगी डैम का वो हिस्सा जहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ पे टरबाइन होती है जो कि घूमती है तो बिजली बनती है, और यहाँ पे बहुत नीचे जाया जाता है, मगर शायद जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे बहुत पावरफुल टरबाइन्स होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, और जो पानी के प्रेशर से घूमती हैं और बिजली बनती है। ये बरसात में ये पूरे गेट खुल जाते हैं जब बाढ़ आती है, और जब बहुत अच्छा लगता है देखना। अभी तो खैर पूरे गेट बंद है, और जब गेट खुलेंगे फ्रेंड्स, तो जब और बारिश हो जाएगी तब मैं एक बार फिर आऊँगा और इसका पूरा वीडियो शूट करूँगा। फ्रेंड्स, ये है बरगी डैम, अभी पानी कम है थोड़ा। फ्रेंड्स, ये एक रिसॉर्ट हो गया, मेकल रिसॉर्ट से। यहाँ पे आप खा पी सकते हैं, प्लस वोटिंग कर सकते हैं। स्टीमर चलते हैं अंदर, तो अंदर आ गए फ्रेंड्स, सब चलते हैं इधर। ये में रिसॉर्ट्स हो गए यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है, प्लस खाने पीने की व्यवस्था है। चलो चलो, यहाँ पे आप खा पी सकते हो, जल पान क्रैक है। ये पूरा इसका परिसर हो गया, यहाँ रूम्स हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हो।